हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस? ऑप्शन ए लीफ कर्लिंग, ऑप्शन बी ट्रांसप्लांटेड ट्यूबर डिजीज, ऑप्शन सी ड्वार्फिंग डिजीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वायरस की बात करें तो वायरस जो है वो क्या होता है, नेकेड वायरस होता है, नेकेड वायरस होता है, और इसे जो है मेटा वायरस भी कहा जाता है, मेटा वायरस भी कहा जाता है। और इसमें जो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि इन्फेक्शियस नेचर का होता है। पहले ऑप्शन की बात करें, लीफ कर्लिंग जो डिजीज जो है वो वायरस से नहीं होती, ये वायरस से होती है, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट। बी ऑप्शन की बात करें तो ट्रांसपेरेंट ट्यूबर डिजीज ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है, और आरएनए मॉलिक्यूल जो है ये इन्फेक्शियस नेचर के होते हैं। ड्वार्फिन डिजीज बात करें, ये वायरस से रिलेटेड है, वायरस से होती है ना कि वायरस से होती है। और ऑप्शन डी की बात करें, ऑल ऑफ दी, तो ऑल ऑफ दी वो जो है वो तो होंगे नहीं, क्योंकि पहले और तीसरे ऑप्शन में जो लिखा हुआ है वो डिजीज वायरस से होने वाली है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो टिटस पेंडेंट ट्यूबर जो है वायरस से होती है। बेस्ट ऑफ लक।